अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और दानिश के जाने का टाइम हो रहा था, तो ये मैं ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। मैंने एग फ्राई करा और ये चाय बनाई, और उसके बाद मैं सफाई वगैरह करूँगी नाश्ता करने के बाद। और लाइट गई हुई है हमारी, और ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मैं रूम में लेके जा रही हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद, फिर हम लोग सफाई स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, कैसे हैं सब? उम्मीद करते सफाई ऐसे होंगे। तो ये हसन को गर्मी लग रही है, तो ये हसन अब नहाने के लिए आ गए यहाँ पर। ये देखे ज़रा, ये खुद नहा रही हैं। हसन आप नहा रहे, मैं जाऊँ सफाई कर लूँ? हसन बाय, बैठ के नहाओ। चलें ठीक है, जब तक ये हसन नहा रहे में है, एक कमरे की किचन की तो मैंने सफाई कर ली थी, अब मैं ये वाले कमरे की सफाई करूँगी, क्योंकि जनरेटर चल रहा था उससे शोर 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 दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अब मैं ये वाले कमरे में आ गई हूँ और ये वाले कमरे की सफाई करूँगी। और खाने की चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि उस कमरे में इतनी चींटियाँ हो रही हैं, इतनी चींटियाँ हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। किचन में देखो, किचन में इतनी चींटियाँ, यहाँ तक कि घी के अंदर इतनी चींटियाँ। जब मैं अम्मी के घर रुकने गई थी तो घी के अंदर भी इतनी चींटियाँ हो गई थी। और आप लोग बताएं कि आप लोग के घर में चींटियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही? जबकि दानिश स्प्रे भी लेके आए थे, तो मैं स्प्रे करती हूँ तो चींटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद दोबारा आ जाती हैं। चलिए ठीक है, आप ये देखें ये डस्ट कितनी आ जाती है। तो अब मैं यहाँ की सफाई करूँगी। और ये जो स्टोर है, ये हसन साहब टॉयज़ वगैरह निकालते हैं तो सारा पिला देते हैं, इनके सारे टॉयज़ वगैरह कैसे पिला देते हैं। ये हसन यहाँ पर खुद ही घुस जाएंगे और सारे टॉयज़ वगैरह पिला देते हैं। चले ठीक है, मैं जल्दी से सफाई करती हूँ। फिर मैंने स्टोर की सफाई कर ली है, और अब थोड़े दिनों के बाद देखिएगा कि हसन साहब दोबारा से कपड़ा पिला देंगे। और यहाँ की सारी सफाई हो चुकी है, अब मैं बस ये टेबल वगैरह डस्टिंग करूँगी, बाकी झाड़ू मैंने लगा दिए। और मैं बनाना शेक बना रही हूँ, गाइस मैंने नमाज पढ़ चुकी है और सुबह मुझसे यहाँ पर चाय गिर गई बेड पर, तो उसकी वजह से ये चादर उठाई हुई मैंने बेड की ताकि ये सूख जाए। तो फिर उसके बाद मैंने साफ कपड़े साफ करा, लेकिन चाय का तुप्पा तो रहता ही है। और अभी हसन कह रहे हैं कि मुझे पापड़ खाने हैं। आपको क्या खाने? पापड़ खाने? कौन से वाले? तो इनको ऑरेंज वाले पापड़ खाने, तो मैं इनके लिए पापड़ फ्राई करती हूँ और अपने लिए खाना निकालती हूँ। चले आए किचन में, आ जाए आप किचन में, हसन आए। चले ठीक है, आप हम किचन चाय बन रही है, और मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया क्योंकि हसन को पापड़ खाने, तो थोड़े से मैं इसको पापड़ हसन फ्राई करो। यहाँ पर हसन के पापड़ फ्राई हो गए, अब इसको मैं ये देती हूँ। हाँ तो आप बैठो यहाँ पर, मैं पंखा खोल रही हूँ। हसन पापड़ खा लेंगे। खाना लेके आई, ये सब्ज़ी थी परसों की, और ये हसन छोटा पंखा लिए मैं, तो पसीने में बुरा हाल हो गया, इसलिए मैं आपको अपनी पिक्चर नहीं दिखा रही, वीडियो में नहीं दिखा रही, क्योंकि पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। चलें ठीक है, अब मैं खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। या तो अभी हसन को सुला दूँगी मैं, अगर ये सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगी, अगर ये नहीं सोएंगे तो फिर मैं मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह करने लगूंगी। उन्होंने पापड़ तलवाए, लेकिन बस दो ही पापड़ खाए इसमें से, और बाकी ये फीडर लेके बैठ गए। ये इस तरह करते हैं जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, इस वजह से मैं इनको कुछ भी करके नहीं देती। ये आई नहीं, और शाम के ये 5 बज रहे हैं, तो हसन सो गए थे, तो मैंने एक वीडियो शूट करी जो आपको परसों मिलेगी, और आप टाइटल उसी में देख लीजिएगा। अभी मैंने बता रही कि कौन सी वीडियो होगी वो, और अब मैं ये हसन भी उठने वाले हैं और लाइट आने वाली है, तो फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। और अभी ये मैंने मिल्क शेक बना के रखा था अब केले का, तो अभी ये मैं पी लूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और यहाँ पर अभी तक के पानी भी नहीं आया, 15 दिन होने वाले हैं। आप सब दुआ कीजिएगा कि पानी आ जाए, वरना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलें ठीक है, अब मैं
बनाना शेक पीती हूँ और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर असर की नमाज़ पढ़ के, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से। और यहाँ पर अब मैं चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज, गरम मसाला, 6 अदद टमाटर और चिकन मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हुई थी। अब इसके अंदर मैंने प्याज और गरम मसाला ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे। और बस फिर हसन रोने लग गए थे तो फिर मैंने बिरयानी की रेसिपी बताई नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह।